नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर। पाठ्यक्रम के परे भाषा के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रश्न पत्र है वो है चतुर्थ प्रश्न पत्र। ये हमारे बीएड पाठ्यक्रम के का चतुर्थ प्रश्न पत्र है और इसकी जो इकाई है द्वितीय, जो कि भाषा विकास को लेकर है। और इस भाषा विकास के अंतर्गत हम जिस प्रकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं वह प्रकरण है हमारे समक्ष उच्चारण दोषों को दूर करने में शिक्षक की भूमिका। साथियों, उच्चारण दोष बालकों में पाए जाते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हैं, शारीरिक रूप से हैं या फिर आंगिक रूप से, किसी भी प्रकार के उनके उसका जो मतलब कक्षा शिक्षण व्यवस्था को या पठन लेखन या भाषा के ज्ञान को वो कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाते हैं। तो ऐसे दोषों को निराकरण करके या निवारण करके, पहचान करके उनका दूर करने करना ही उनका निराकरण है। तो शिक्षक उसमें किस प्रकार की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है, तो आइए साथियों हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। और साथियों, इसमें एक विशेष बात कि इसके प्रकरण के बारे में हमने 5 बिंदुओं का अध्ययन हमने पूर्व के वीडियो व्याख्यानों में कर लिया था और शेष रहे जो सष्टम बिंदु है वहां से हम अपने इस जो मतलब दिया हुआ है बिंदुओं का अध्ययन हम करेंगे कि शिक्षक अपने स्वयं की महत्वपूर्णता के आधार पर या स्वयं की एक प्रतिभा के आधार पर बालकों को एक शारीरिक दोषों से या मानसिक दोषों से या यूं कहें कि वाणी संबंधी दोषों या उच्चारण संबंधी दोषों को किस प्रकार दूर करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर सकता है। तो आइए साथियों हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो साथियों, आपके सामने सिस्टम बिंदु दिया हुआ है और ये सिस्टम बिंदु दिया हुआ है साथियों, इन्हें स्वतंत्रता पूर्वक बोलने के निरंतर अभ्यास का अवसर दिया जाना चाहिए जिससे इनके दोषों में सुधार हो सके। साथियों, इस बिंदु का मंतव्य इस प्रकार से है कि जो बालक हैं और जो उच्चारण दोषों से ग्रसित हैं, तो उन बालकों के लिए हमें शिक्षक को क्या प्रयास करने चाहिए कि उन बालकों को मतलब एक स्वतंत्र पूर्वक एक मतलब उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि स्वतंत्र पूर्वक अपनी वाणी का प्रयोग कर सकें और वाणी का मतलब बोलने की उनको अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए साथियों। ठीक इसी प्रकार से ऐसे सातवां नंबर का जो बिंदु है वो कह रहा है कि ऐसे बालकों के लिए आमोद प्रमोद के साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए और उनका सामाजिक समायोजन बनी बाकी हो सके, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। साथियों, इसमें जो मुख्य बात निकलकर सामने आती है कि जो ऐसे बालक जो होते हैं जो किसी वाणी दोषों से ग्रसित होते हैं वो हमेशा अपने आप को एक हीन समझते हैं, उनके अंतर मन में एक हीन भावना एक घर कर जाती है, तो उसको दूर करना चाहिए कि वो समझता है कि मैं इन बालकों जैसा नहीं हूँ या फिर मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ या फिर मेरे अंदर कोई ना कोई ऐसा जो मैं अक्षम हूँ, किसी भी कार्य करने में मुझमें क्षमता नहीं है। तो ऐसी उसका जो मानसिक जो धारणा बन चुकी है उस धारणा को दूर करने में करने का जो प्रयत्न जो करने का अभ्यास या प्रयत्न शिक्षक को करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही उन गलत धारणाओं को दूर करने का प्रयास करेगा और बालकों को अभिप्रेरित कर सकता है। साथ ही साथ में शिक्षक को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जो मानसिक व्याधि से ग्रसित बालक हैं या फिर शारीरिक अंगों से जो मतलब व्यथित हैं, तो ऐसे बालकों की पहचान करके उनको पहले तो उनको आमोद प्रमोद के समस्त साधन उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि उनका मन विद्यालय में रह सके, लग सके और वो विद्यालयों में उनका ठहराव सुनिश्चित हो सके। उसके बाद में उन्हें खेल के माध्यम से स्नेहपूर्वक और प्यार से उनको गतिविधियों से आधारित विषय वस्तु का शिक्षण कराया जाए, तो वो भी रुचिपूर्वक ढंग से, जिससे क्या होगा कि बालक भली भांति समायोजन करने लग जाएगा, वो अपनी कक्षा स्तर के बालकों से अपने आप को हीन नहीं समझेगा और वो उनसे वो समायोजन करना सीख जाएगा।
ठीक इसी प्रकार से तो इन सभी बातों का अध्यापक को विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि बालक जब समायोजन करना सीख जाएगा तो वो किसी भी समस्या के प्रति अपना नया हल ढूंढ सकता है। उसके बाद में अगला जो बिंदु यहाँ पर दिया गया है, बालकों के आंगिक दोषों को दूर करने हेतु स्वास्थ्य विशेषज्ञों एवं मनोचिकित्सकों से भी समय समय पर परामर्श लिया जाना चाहिए। साथियों, अध्यापक मतलब अध्यापक को एक विशेष ध्यान भी रखना चाहिए क्योंकि शिक्षक को हम गुरु भी मानते हैं और गुरु का स्थान माता पिता से भी बढ़कर तीनों लोकों में एक ईश्वर के तुल्य माना गया है, या यूं कहें कि ईश्वर से भी बड़ा स्थान हमारे शास्त्रों में, हमारे पौराणिक कथनकों में या हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय में गुरु का स्थान हमेशा सर्वोपरि होता है और वो अपने शिष्यों के बीच में कभी मतभेद नहीं कर सकता है। तो उनमें क्लास में सभी अलकों के रूप में उसकी समान दृष्टि रहती है। तो ऐसे जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उन बालकों की पहचान करके उनके लिए जितना यथासंभव हो सके सरकारी सेवाओं से भी उनको लाभ दिलवाने का प्रयास करें। हो सके तो वो सामाजिक संस्थाएं हैं या फिर ऐसी जो संस्थाएं जो सेवाभावी करने वाली संस्थाएं हैं या भामाशाओं के माध्यम से ऐसे बालकों को सहयोग एवं ऐसे दोषों से दूर करने में और स्वास्थ्य विशेषज्ञ जैसे कि अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञों एवं मनोचिकित्सकों से समय समय पर परामर्श लेकर उनकी उस दोषों से किस प्रकार से उनका निराकरण किया जा सकता है और बालक को एक स्वस्थ जीवन प्रदान किया जा सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना अध्यापक के लिए आवश्यक है क्योंकि जीवन में गुरु तो तीनों लोकों में उसका स्थान सर्वोपरि है। यदि वो एक नया जीवनदाता भी है हमारा, तो हमारा भविष्य निर्माता भी है। इसलिए अध्यापक को हमेशा इस बातों का ध्यान रखकर अपने शिष्यों के प्रति उस दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, इसी के साथ में अगला जो बिंदु हमें दिया गया है, माता पिता एवं अभिभावकों को भी अपने ऐसे बालकों की शिक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। साथियों, इसमें एक विशेष बात ये भी है कि केवल शिक्षक का ही उत्तरदायित्व नहीं होता है। साथियों, हम जब मेरा एक अपना निजी अनुभव है इस बारे में कि किसी विद्यालय में भी एक पढ़ाता था तो उस दौरान उस सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो बालक बालिका हैं उनके अभिभावक उस सरकारी विद्यालय या उस समुदाय की जो मतलब बैठक होती थी उसमें कभी नहीं आते थे, या लगभग आते भी तो कुछ जागरूक हैं वही लोग आते थे। लेकिन उसी परिवार से ऐसे बालक भी थे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, तो उनकी जो पीटीएम होती थी या ऐसी बैठकों में वो हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते थे क्योंकि वहाँ पर वो अपना जेब का पैसा लगा रहे हैं। तो साथियों, इस प्रकार के भेद अपने बालकों में ना करें और ऐसे जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनके प्रति विशेष ध्यान रखें और उनकी शिक्षा के प्रति उनकी शिक्षा किस प्रकार से। तो साथियों, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे बालक जो विशेष आवश्यकता वाले हैं तो उनको पहले तो उनका मतलब चिकित्सकीय इलाज कराएं और इतना यथासंभव हो सके विशेषज्ञों से परामर्श भी लें। लेकिन उन बालकों की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हो सके या ऐसी विशेष आवश्यकता वाले बालक है उनके लिए विशेष विद्यालयों में उनका प्रवेश कराया जाए या उनकी शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किए जा सके, तो ऐसे बालकों के लिए अभी हर अभिभावक को ध्यान देना चाहिए। केवल बालकों के लिए केवल शिक्षक ही उनके लिए मतलब नहीं है, शिक्षक के साथ में आप सबका भी कर्तव्य बनता है। जैसे कि आरटीआई की धाराओं में है, बाल केंद्र शिक्षाओं में है, आरटीआई की धारा भी ये कहती है कि हर अभिभावक या हो सके जो अभिभावक या संरक्षक की स्थिति में है वो बालक को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा या प्रारंभिक शिक्षा के समस्त उपलब्ध साधन उपलब्ध करवाएगा। तो हर अभिभावक का एक कर्तव्य बनता है कि वह अपने उन बालकों के प्रति अपने एक जो कर्तव्य है, अपने जो फर्ज है उनके प्रति वो शत प्रतिशत रहे और बालक को उस प्रारंभिक शिक्षा का एक अधिकार प्रदान करें ताकि बालक अपने जीवन में उन शिक्षा के क्षेत्र में कभी पिछड़ ना पाए और शिक्षा हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़े, तरक्की करे और अपने भविष्य का निर्माण कर सके। तो बालक को जीवन के साथ साथ उचित शैक्षिक जीवन भी प्रदान करें, उच्च शिक्षा दीक्षा एवं उसे अच्छा मतलब शिक्षा दीक्षा के साथ में उसे एक शिष्टाचार का भी उसे मतलब आप उसको आभास कराएं और शिष्टाचार के माध्यम से बालक को एक भारत का अच्छा सुयोग्य नागरिक बनाने में मदद करें। तो साथियों, हमारे इस वीडियो व्याख्यान में आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।